हमने आज एक लॉन्च की है ऐप ट्रैफिक पुलिस लाहौर की तरफ से, जिसमें हमारे पास तकरीबन 3.5 लाख सिटीजन जो हैं वो हर साल ट्रैफिक के मुख्तलिफ शोबाजात से गुजरते हैं, जिनमें 3 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिनको चालान के हवाले से मुश्किलात जो पेश आती हैं, जिसमें कि चालान जमा कराना सबसे अहम और मुश्किल मरला है, उसको हमने आसान बना दिया है। आपने कोई वायलेशन की है तो हमारा जो ऑफिसर है, वार्डन जिसको कहते हैं, वो अगर आपके पास मैकेनिज्म है, यानी कोई एटीएम कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, बैंक की किसी भी ब्रांच में जाना चाहते हैं, ई पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपको ये फैसिलिटी मौजूद है। और इस सूरत में कि आप अगर फौरी तौर पर पेमेंट करें तो कागज़ भी सिटीजन से नहीं लिए जाएंगे। दूसरा ये कि कोरोना के वक्त में सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ खातर रखा जाए, लिहाजा हमने बाय अपॉइंटमेंट अब लाइसेंसिंग का इजरा कर दिया है। अब जब लाइसेंसिंग सेंटर खुलेंगे तो इस ऐप के ज़रिए आप टेलीफोन के ज़रिए या ऐप के ज़रिए अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो कर सकेंगे, और टाइम जो आपको सूट करता हो तमाम शहरी उसके मुताबिक अपना शेड्यूल तय करेंगे और अपने तरीके पर अपने वक्त पे आके लाइसेंसिंग के प्रोसेस से गुजरेंगे। ये एक अहम कदम है फैसिलिटेशन टू पब्लिक का, सर्विस डिलीवरी का, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम इसको पंजाब के दीगर शहरों, सबसे पहले बड़े शहरों में हम इसको रेप्लिकेट करेंगे और फिर इसको इंशाल्लाह पूरे सूबे तक फैलाएंगे।